नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक न्यूज़ के एक और फ्रेश एपिसोड में, और लेके आऊँ आप सभी के लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपडेट आता है, हुआ है फेसबुक की तरफ से, जहाँ पे फेसबुक बोल रहा है कि हम इसमें एक अपडेट लाएंगे, और इस अपडेट के द्वारा जो फेसबुक पे जो भी आप फोटोज अपलोड करते हो, आप अपना जो फोटो अपलोड करते हो वो उसको 3D में बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, वो जो नॉर्मल फोटो जो आप अपलोड करोगे फेसबुक पे वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो तो बाद में पता चलेगा, सब अपडेट आ जाएगा। वैसे फेसबुक के काफ़ी सारे यूजर्स जा रहे हैं इस हिसाब से, इसी को देखते हुए जो कुछ नया अट्रैक्टिव फीचर्स लाने की कोशिश कर रहा है फेसबुक। तो देखते हैं ये फाइनली कैसा होता है, जो 3D का फोटो बस 3D नाम का ही या फिर सच्ची का 3D हो जाता है, वो तो बाद ही में पता चलेगा। अपडेट आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 को लेके, जहाँ पे ये आपको मात्र 30,000 रुपये के आसपास में मिल रहा है ईबे पे। लेकिन ये जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 होगा, यानी कि ये यूज्ड होगा, सेकेंड हैंड होगा, तभी तो आपको 30,000 में मिल रहा है। तो आपको 30,000 में ये मिल रहा है ईबे पे। अगर आपको बाय करना है नोट 8 तो आप बाय कर सकते हो। वैसे इंडिया में उतना ईबे चलता नहीं है। सोनी ब्लैक शार्क 2 को लेके, जहाँ पे इसका हैंडसॉन वीडियो भी लीक हो गया है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। वैसे ये सोनी ब्लैक शार्क 2 के बारे में मैंने बहुत ही पहले ही बता दिया था कि ये जो स्मार्टफोन आने वाला है उसके स्पेसिफिकेशंस आपको जानने, तो आप मेरी वो वाली वीडियोस को देख लो, तो आपको सारे इसके स्पेसिफिकेशंस पता चल जाएगा। वैसे इसका हैंडसॉन वीडियो भी आ गया है, और जो इसकी लॉन्च डेट है वो शायद नवंबर और दिसंबर के महीने में हो सकता है। तो देखते हैं क्या करता है सोनी का ब्लैक शार्क 2। वैसे ये गेमिंग फोन है, स्नैपड्रैगन का आपको इसमें 845 देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी गेमिंग प्रोसेसर है। तो देखते हैं कब तक लॉन्च होता है ये सोनी का ब्लैक शार्क 2। हुआ था गूगल की तरफ से, जहाँ पे गूगल अपना जो पिक्सल वॉच जो हर एक साल लॉन्च करता था वो इस साल लॉन्च नहीं करेगा। इसके पीछे का रीज़न बताया गया कि जो इसका जो रियर ओएस था वो मतलब इसके लिए इनफ नहीं था, इसमें और कुछ ज़्यादा चाहिए था, जो कि गूगल नहीं बना पाया। तो इसीलिए उसमें इस साल गूगल का जो पिक्सल वॉच हर एक साल लॉन्च होता था तो वो नहीं होगा। तो देखते हैं ये अगले साल में कैसा होता है वॉच, और कौन सा वियर ओएस नया वाला आता है ये गूगल पिक्सल वॉच के साथ। हुआ था एप्पल की तरफ से, जहाँ पे एप्पल अपना एक मेथड पे काम कर रहा है, जिसके द्वारा जो आईफोन्स होते हैं उनमें कोई भी अगर स्पैम कॉल्स आएगा तो एप्पल उसको डिटेक्ट कर लेगा, उसका लोकेशन भी पता लगा सकता है, और भी काफ़ी सारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी इस पर काम ही कर रहा है, तो एप्पल तो देखते हैं कब तक ये फाइनली अपडेट हो जाता है सभी आईफोन्स के साथ, या फिर कोई नया आईफोन्स भी लेना पड़ेगा मतलब ये फीचर्स को मतलब लेने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, स्पैम कॉल्स काफ़ी आते हैं, आप लोग भी मुझे आते हैं, मुझे भी आते होंगे। तो ये देखते हैं कब तक ये मेथड ट्राई कर लेता है, जब मतलब जो भी स्पैम कॉल करेगा उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, उसका लोकेशन भी पता लगा लिया जाएगा। तो स्पैम कॉल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, तो इसके कारण ये कदम उठाया एप्पल ने अपने आईफोन्स के लिए। अपडेट आता है वो होता है पोकेमॉन गो गेम को लेके, जहाँ पे इसमें AR+ मोड का फीचर आ चुका है एंड्रॉयड के लिए। अगर आप खेलते हो पोकेमॉन गो ऐप और आप इसके शौकीन हो पोकेमॉन गो ऐप पर, तो आप इसको मतलब इस अपडेट को कर लीजिए, आपका जो AR+ मोड एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट देखने को मिल। वो होता है सोनी एक्सपीरिया X-Z2 को लेके, जहाँ पे इसमें एंड्रॉयड 9.5 का अपडेट आ चुका है, अगर आपके पास है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। अपडेट आता है वो होता है फोल्डेबल सरफेस फोन को लेके, जहाँ पे इसका एक पेटेंट निकल गया, और पेटेंट में हमें पता चलता है कि जो इसमें एक ही स्क्रीन होगा जो कि मुड़ जाएगा। वैसे जो और जो वावे सैमसंग हो गए ये सब जो पेटेंट लाए थे उसमें बताया जा रहा था कि 2 पैनल्स होगा जो कि मुड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है इस फोन सरफेस का जो इसका जो पेटेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बस सिंपली एक ही पैनल होगा जिसको आप फोल्डेबल कर सकेंगे, वो एक सही मायने में फोल्डेबल फ़ोन होगा। वैसे तो पुराने जमाने में भी आता था जो बटन वाला फ़ोन होता था वो फोल्डेबल हो जाता था, वो तो फोल्डेबल फ़ोन तो वो तो नहीं ना हुआ, जो एक ही पैनल होगा उसको हम फोल्ड कर सकेंगे वो ओरिजिनल फोल्डेबल फ़ोन। तो देखते हैं सबसे पहले कौन ले आ पाता है। वैसे वावी हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारा ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं सबसे पहले 2019 में कौन लेके आता है। वैसे 2019 में ही आएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, फिर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ले जाए, जय भारत।